सैमसंग S9 का मॉडल है ये। आप ग्लास काटना मैंने शुरू ही करा है, अभी जस्ट आपको दिखा देता हूँ, देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है उसके ग्लास को चेंज करने में। आपके सामने जो भी है चलो भाई, सैमसंग S9 फ्रंट ग्लास चेंज हो रहा है, आप देख ही रहे हो किस तरीके से मैं डिस्प्ले काट रहा हूँ। फ़ोन ऑन है, फ़ोन ये देख सकते हो, फ़ोन मेरा प्रॉपर ऑन है, अभी कोई मैंने स्विच ऑफ वगैरह नहीं करा। डिस्प्ले आप देख सकते हो प्रॉपर आ रही है एकदम, सब बताऊँगा एकदम जो भी है कैसे ग्लास पड़ता है कैसे लगता है। कितना टाइम हुआ है बाबू? 2 मिनट। ग्लास उतार दिया, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं भाई, पहले इससे साफ करो। आप जो आपकी डिस्प्ले पर गम लगी है ना, पहले इससे साफ करो, इसके बाद आप फिर आगे बढ़ो। भाई अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे कॉल करके आए, बिना कॉल करे ना आए भाई, क्योंकि स्टूडेंट वगैरह पहले से होते हैं। सैमसंग S9 के ग्लास चेंज हो रहा है, वीडियो एंड तक देखें तभी आप कुछ समझ पाओगे। बंदों को प्रॉब्लम बहुत आ रही है ग्लास चेंज करने में, एज वगैरह के, आईफोन की डिस्प्ले, वॉच वगैरह में बहुत मैसेज देखता हूँ, भैया हमारी डिस्प्ले में लाइन आ गई, आ गया वो हो गया। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। दियो तेरा का डब्बी क्या रखती दूसरी वाली? अंदर ले जाकर रख लेता है यार तू भी। क्या तीनों की डब्बी कहाँ है? दूसरी वाली तुम्हारी कहाँ है तीनों की बोतल? उसमें उस पत्ते के पास नहीं आने दे थीनर को। ये थीनर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, थीनर आप यूज करके देखो भाई, जादू है, जादू एकदम। अब इस तरीके से इसको डालेंगे इनको बाहर निकालने के लिए।
इसमें देखो हेलो। अरे भेजो कैसे तो भेज रहा हूँ। ठीक है लो भाई। डिस्प्ले हमारी बाहर है। हेलो हाँ जी कौन हाँ भाई क्या हाल है ला के चेक करा दो दुकान पर आ जाओ। हाँ दुकान पर ही हूँ। और ले एसनेंट का ग्लास ले आ जाओ आ जाओ दुकान पर ही हूँ। हेलो कैसे हो? बढ़िया। वन प्लस सेवन प्रो है 2500 25
वीडियो के अंदर कोई एडिटिंग नहीं है भाई, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। एक बार फिर मैं दिखा रहा हूँ जो मेरी होल्डिंग टाइम में, सब 6 सेकंड करता हूँ। ये सब 6 सेकंड है, जो वैक्यूम बना रहा है 90 सेकंड है, बाकी जो हीटिंग कर रहा है वो 65 है। भाई सारे काम सीखो और वीडियो देख के काम सीखो यार। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो मेरे से कॉल करके पूछो। ट्रेनिंग की फीस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। देखा होगा मैंने क्या क्या कराया इसके अंदर, कितनी जल्दी मैंने डिस्प्ले काट दी, कितनी जल्दी मैंने डिस्प्ले फ्रेम से बाहर निकाल दी और अपना साफ कर दी, क्लीन भी कर दी, सब कुछ कर दिया मैंने। मतलब 15 मिनट से पहले डिस्प्ले तो मेरी पहले ही कट गई थी, लेकिन वो थोड़ा क्लीनिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया। ये थिनर का सारा कमाल है बस। भाई आप डिस्प्ले काट रहे हो और बंदे तो कह रहे भाई हमसे डिस्प्ले भी कट रही, लेकिन फ्रेम से बाहर निकाल रही, फ्रेम से बाहर निकालते खराब हो जा रही। कुछ तो कह रहे भैया फ्रेम से बाहर निकाल ले तो डिस्प्ले के लाइन आ रही है, ब्लैंक हो रही, कुछ भी हो रहा है। और कुछ कह रहे हैं भैया अपना हमसे तो ग्लास नहीं कट रहा है। तो भाई आप वीडियो पूरा देखा करो मेरा, तभी आप समझ पाओगे कि मैं इसके अंदर क्या क्या आपको बता रहा हूँ, क्या क्या इसका जो मतलब टेक्निक है वो क्या क्या है। तो प्लीज उसकी बंद हो रही है। हेलो भेज रहा हूँ, जाओ ले आओ फोन। लो भाई एक बबल नहीं मिलेगा आपको डिस्प्ले के अंदर, देख के चेक करा लेते हैं एक बार। लो भाई S9 एक बबल नहीं है, मैं इसके बबल करने की जरूरत भी नहीं है ना, मैं इसको करूं ऐसे ही पैक करके दे दूंगा कस्टमर को। एक छोटा मोटा बबल भी होगा, वो भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर, एक छोटा सा बबल भी। ये लो भाई चेक कर सकते हो आप डिस्प्ले, ये लो एकदम ओके रिपोर्ट। तो प्लीज मेरा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू।